फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, मैं आपकी संस्कृत टीचर निधि गुप्ता आपकी कक्षा अष्टम विषय संस्कृत दर्शिका और आपका है भाग चार। ठीक है, इसमें आपका लेसन वन है प्रार्थना यानी प्रेयर। इसमें क्या करें, सबसे पहले हम अब ये हमारा हम नई क्लास में आए हैं और नया हमारा ये विषय, ये हमारी नई बुक है, तो उसको हम किसी भी चीज़ को किसी भी नए शुरुआत के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं भगवान की कि उसमें हमें कोई भी हमारे लिए कोई विघ्न ना हो, हमें वो अच्छी तरह से हम समझ आ जाए और हमारा कार्य पूर्ण हो, यानी हमें इस बुक का ज्ञान अच्छी तरह से हो जाए। तो उसके लिए हम सबसे पहले किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं हम, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी सभी प्राणियों में विद्या रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। क्या कहा है देवी के लिए कि जो देवी सभी प्राणियों में विद्या रूप में स्थित है कि हमें विद्या का ज्ञान प्राप्त कराएं, तो उनको कहा है कि जो देवी सभी प्राणियों में विद्या रूप में स्थित हैं वो देवी हमें क्या करें, विद्या प्रदान करें, उनको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। वाग अर्थाविव संप्रक्तौ वाग अर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अब इसमें क्या कहा गया है कि वाग अर्थविव संप्रक्तौ, यानी इसमें कह रहे हैं कि मैं वाग अर्थविव वाणी और अर्थ की सिद्धि के निमित्त, यानी कि मुझे वाणी और अर्थ की शब्द और अर्थ का ज्ञान प्राप्त हो उसके लिए मैं वाणी अर्थ प्रतिपत्तये वाणी और अर्थ के समान मिले हुए संप्रक्तौ मिले हुए जगत के माता पिता पार्वती और शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। अर्थात जो वाणी और अर्थ के जैसे जैसे वाणी और अर्थ है, शब्द और अर्थ है, वो अलग होते हुए भी एक ही हैं, उसी प्रकार से पार्वती और शिव अलग होते हुए भी वो कैसे हैं, एक ही हैं, तो उसी प्रकार से उस वाणी और अर्थ के समान मिले हुए शिव और पार्वती भी क्या हैं, अभिन्न हैं, यानी मिले हुए हैं, तो उनको मैं नमस्कार करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसमें क्या कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सर्वे सुखिनः भवन्तु सभी सुखी होवें, सर्वे सन्तु निरामया सभी निरोगी होवें, निरामया माने निरोगी, सभी निरोगी होवें, सभी भद्राणि पश्यन्तु भद्राणि माने कल्याण को देखें, सभी कल्याण को देखें, मां कश्चित् दुःख भवेत् किसी को किसी प्रकार का दुख मां भवेत् नहीं होना चाहिए। आगे समझ में कि सभी सुखी होवें सभी निरोगी होवें सभी कल्याण को देखें और किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, ये हम ऐसी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आगे समझ में ये आपका, इसे आप दोबारा इसे पढ़कर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।